हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू दूंगा पैनासोनिक के स्प्लिट एसी का। तो ये एक तरीके का स्मार्ट एसी है जो आप अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में जानते हैं मिस्टर राजकुमार से, वो हमें इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पैनासोनिक एयर कंडीशनर के बारे में, जो कि जैपनीज नंबर वन क्वालिटी के अंदर आता है। आप ये देख सकते हैं हमारा 5-स्टार एसी ये यूज़ करते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट्स तो देखें, आप इसे वाईफाई से भी ऑपरेट कर सकते हैं। देन आपका इसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी प्लस नैनो जी दे रखा है। नैनो जी में सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये आता है, जो वायरस बैक्टीरिया H1N1 वायरस डीएक्टिवेट करेगा, जो कि एक्टिव फिल्टर दे रखा है इसके अंदर। जो आपके चिपके हुए वायरस हो गए, पर्स वगैरह पे चिपके हुए हैं, कपड़ों पे, उसे भी डीएक्टिवेट करेगा। एयर के अंदर तो सारे एयर बाउंस करते ही हैं, बट ये सारी वो चीज़ें करेगा। देन इसमें आपका 4-way कूलिंग मिलता है सर। जितने भी एसी आते हैं 2-way स्विंग में आते हैं, ये 4-way स्विंग भी करेगा हमारा एसी। ये देख सकते हैं इसमें एक सबसे बड़ा ऑप्शन दे रखा है जेट स्टीम का। ये देख सकते हैं हम जेट स्टीम का, जो कोई 45 फीट तक का एयर फ्लो देता है हमारा। जेट स्टीम ऑन करते ही डबल, ये देख सकते हैं हमारा, ये देख डबल फिन्स दे रखी हैं, जिससे एयर फ्लो आपका 45 फीट तक दूर जा सकता है। उसके बाद हमारा आ जाता है सर मिराई ऐप टेक्नोलॉजी के साथ। मिराई ऐप आपने डाउनलोड करना है इसके अंदर। ये देखिए, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम पे मिराई ऐप, इसी से आप पूरा एसी ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिए सर, ये यहाँ से आपने एसी ऑन करना है। ये देखिए ऑफ हो गया आपका एसी, दिखा दीजिए, ये देखिए। देन ऑफ भी ऑन भी कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू। सपोज करो कई बार हम मॉर्निंग टाइम में जल्दबाजी में ऑफिस चले जाते हैं, वर्किंग है, तो उस टाइम पर हम एसी ऑफ़ करना भूल गए, तो हम ऑफिस जाके भी अपना एसी ऑफ कर सकते हैं वहाँ से वाईफाई के थ्रू। हाँ जी, यस, कहीं से भी आप कहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन इसमें कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं हम इस एसी के। अब ये देखिए सर, ये पूरे ऑप्शन आ रहे हैं। नाइट मोड पर अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ से पूरा कस्टमाइज कर सकता हूँ। नॉर्मली एसी हम लोग क्या करें, 21 पे ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है तो 21 पे करके सो जाते हैं। तो ये 2 या 2:30 बजे के आसपास ज़्यादा नॉर्मल मौसम होने के कारण क्या होता है, हमारी आँख खुल जाती है, दोबारा हमें टेम्परेचर सेट करना पड़ता है, जिससे कि मॉर्निंग टाइम में हेजिटेशन रहती है, नींद पूरी प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती। इसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं सर। अगर 21 पे सेट करा है तो ऑटो मोड पे 2 घंटे बाद अपने आप 24 पे चला जाएगा, 28 पे चला जाएगा, पूरा उस तरीके से कस्टमाइज ये देख सकते हैं, कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। ये पूरा ऑपरेट यहीं से कर सकते हैं, आपने कितना टेम्परेचर रखना है, कूल कितना करना है प्रॉपर। देन उसके बाद आपका ये दिखाएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स भी दिया हुआ है, हम एयर क्वालिटी भी देख सकते हैं इसमें कि एयर क्वालिटी क्या दिखाई दे रही है इस टाइम पे नैनो एजी के साथ। ये सबसे बड़ा बेनिफिट दे रखा है इसके अंदर। फाइनेंस जो है इसमें आपका 0% फाइनेंस की स्कीम चल रही है। देन अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड करते हैं यूज़, ICICI का या एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आपका 5000 कैश बैक आ रहा है। उसके बाद जितने भी एसी आप देख रहे हो, शील्ड ब्लू कोटिंग फिन्स के ऊपर तो शील्ड सभी करके देते हैं, बट ये अगर कई बार ड्यूरेबिलिटी के लिए डबल एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी जो हो जाती है इसमें, कि कॉइल के ऊपर भी सील करके दे रही है कंपनी, जो कि अगर देखोगे तो इसकी जो कॉइल्स होते हैं साइडों में सर, उससे लीकेज होने की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह में जो सॉल्ट वाली एयर है वो वहाँ पे आपका लीकेज हो जाते हैं एसी, तो वो प्रॉब्लम हमारे एसी के अंदर बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि इसमें ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, कॉइल के ऊपर शील्ड ब्लू कोटिंग करके दे रही है कंपनी। देन ऑटो कन्वर्टेबल है ये, अपना ऑटो कन्वर्ट होएगा अपने आप। हाँ जी, ऑटो कन्वर्टेबल है, आप जितने भी एसी तो कन्वर्ट करने पड़ते हैं, 1 टन में जैसे कन्वर्ट करना है, 1 टन में, और ऑटो कन्वर्टेबल है, कूलिंग करने के बाद मेंटेन करेगा देन कन्वर्ट करता रहेगा ये। यस, ये देखिए सर, आपको एक चीज दिखाता हूँ आपकी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके की कोटिंग करके दे रही है कंपनी, अब आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए सर, इस तरीके की सील्ड ब्लू प्लस कोटिंग है। देन इसके बाद जो कंप्रेसर आ रहा है ये वाला, जिंक एल्युमिनियम सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है, जो कि रस्ट प्रूफ है, 5 ईयर की कंपनी इसकी भी वारंटी दे रही है रस्ट लगने की। नॉर्मली जो कंडेंसर होता है आपका वो नॉर्मल होता है वाइट कलर का, बट इसमें क्या है इस तरीके का आएगा जो रस्ट प्रूफ है, रस्ट कभी नहीं लग सकता इसमें। प्राइस क्या होगा? प्राइस सर, इसमें मार्केट जो प्राइस दे रखा है आपका 48,000 प्राइस चल रहा है, बट आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छे डिस्काउंट के साथ 47,000 का पड़ेगा आपको, देन 5,000 का इसमें कैश बैक है। हाँ जी, अगर आप इस वीडियो के थ्रू अगर आते हैं तो और भी हम इसमें मैनेज कर लेंगे, बहुत ही अच्छा प्राइस आपको मिल सकता है, आप डायरेक्ट मेरे से मिल सकते हैं, जिससे कि कंपनी का प्राइस आपको होलसेल प्राइस देंगे। आप एक बार विजिट करें हमारे यहाँ पे, अच्छा से अच्छा प्राइस मिलेगा आपको सर। यह इन्वर्टर 5-स्टार रेटिंग के साथ है, हमारी 2 सीरीज आती है, एडवांस सीरीज कहा जाता है सर इसे। इसमें 2 मॉडल मिलेंगे आपको, एक आता है आपका इसमें W4 स्टार के अंदर मिलेगा,
देन आपका 5 स्टार के मिलेगा। 5 स्टार के अंदर XU मॉडल आता है हमारा, XU मॉडल ये सामने चल रहा है। W भी सेम इसी लुक में आएगा, 4 स्टार रेटिंग आएगा। इसके अंदर सबसे मेन चीज़ पावर सेविंग बेटर है, कूलिंग बेटर क्वालिटी के साथ दे रखी है सर। देन इसका इंडोर साइज आप देख सकते हैं काफ़ी बिग है, जो कि आपका बिग ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करेगा। तो ये था ओवरऑल रिव्यू पैनासोनिक के स्प्लिट एसी का, स्मार्ट एसी का। अगर आप इस वीडियो के थ्रू इस शॉप पे जाते हैं, सचदेवा इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाते हैं, तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे आप तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सचदेवा इलेक्ट्रॉनिक्स की लोकेशन मैं आपको समझा देता हूँ। ये जेल रोड पे लोकेटेड है, ओम स्वीट्स के बिल्कुल साथ में। इसका कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो आपको कोई भी इंक्वायरी हो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।